महाकाल ब्लॉक में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप तो जानते ही हैं कि अभी छठ महापर्व का आज दूसरा दिन है और खरना का भी तैयारी जोर शोर से चल रही है। आज खरना का तैयारी चल रही है और आप जान रहे हैं कि यह बिहार और झारखंड का स्पेशल महापर्व मनाया जाता है और इस महापर्व में करने वाले को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आइए मैं आज का जो खरना है, आज के खरना के बारे में आपको दिखाता हूँ और कल जो तीसरा दिन होगा छठ का, उसको मैं अगले ब्लॉक में दिखाऊंगा। आइए, ये छठ महापर्व खरना का तैयारी चल रही है और ये पीतल के बर्तन है, इसे धोया जा रहा और इसी में खरना बनेगा यानी खीर। ये बर्तन धो के रखा गया है, अब शाम हो चुकी है, अब शाम हो चुकी है और शाम को दंडवत देते हुए अर्घ, सूर्य को अर्घ देने के लिए दंडवत देते हुए जा रहे हैं। छठ महापर्व एक ऐसा है जो हिंदू का जो उगते हुए सूर्य को भी और डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं। और ये जो आगे जो लड़के लोग दिख रहे हैं आपको, इन ये सब आगे रास्ता को साफ कर रहे हैं कि दंडवत देने वाले को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। थोड़ा सा दूर में तालाब है, तो थोड़ा ज़्यादा पर्व करने वाले को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि छठ पर्व एक ऐसा है कि कठिनाइयों का सामना करके ही छठ पर्व पूरा किया जाता है, इसीलिए इसका नाम छठ महापर्व रखा गया है। 3 दिन तक व्रत करने वाले उपवास रहते हैं। ये देखिए किस तरह से दंडवत कर रहे हैं, पीछे जो महिलाएं और पुरुष हैं दंडवत करने वाले को पैर में नमस्कार प्रणाम करते हैं। ये जो मंदिर आपको दिख रहा है, दोनों तरफ धान लगा हुआ है, अब पक गई है धान। ये जो मंदिर दिख रहा है, शंकर जी का मंदिर है, ये हमें केदारनाथ का थोड़ा मोड़ा स्वरूप लग रहा। अब मंदिर के समीप पहुंच गए हैं। ये जो मंदिर सामने दिख रहा है, ये केदारनाथ का थोड़ा मोड़ा स्वरूप, अभी तरह पूर्ण तरह से मंदिर नहीं बन पाई है, थोड़ा सा 30% बचा हुआ है। दंडवत देने वाले कुआं के पास पहुंच गए हैं, स्नान कर रहे हैं और पानी की भरपूर व्यवस्था है। अब यहाँ पर सूर्य को अर्घ दे रहे हैं लोग, पर्व करने वाले। फूल पानी से सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है। यहाँ पर छठ पूजा बहुत ही अधिक मात्रा में लोग यहाँ पर मनाते थे, मगर कुछ लोग अपने अपने बस्तियों में अपने अपने घर के समीप मनाने लगे हैं। मगर छठ पूजा एक ऐसी पूजा है जो इकट्ठा होकर ही मनाने में ही अच्छा लगता है। मगर ये शाम आप पीछे जो देख रहे हैं, तालाब है, बहुत बड़ी तालाब है, इसी साल बनाया गया है तालाब को, छठ पूजा के लिए ही स्पेशल इस तालाब को खोदा गया था। ये मंदिर के मैं फ्रंट बैक साइड का दिखा रहा हूँ, अर्घ दे चुके हैं, अब शाम को दिया और अगरबत्ती से सूर्य देवता को पूजा अर्चन कर रहे हैं लोग। ये अब शाम हो चुकी है, अब यहाँ पे खरना की तैयारी चल रही है। ये देखिए
नए ईंटे से चूल्हा बनाया जाता है, और जो मैं आपको दिखाया था कि बर्तन को उसी बर्तन से, पीतल के बर्तन में ही खीर और दूध से खीर बनाया जाता है। और यहाँ पर एक और खीर बन रही है, क्योंकि प्रसाद लेने के लिए बहुत भीड़ उमड़ जाती है। लोग कहते हैं कि हमें प्रसाद दो, हमें प्रसाद एक ऐसी चीज़ है कि थोड़ा मोड़ा सभी लोगों को देना ही पड़ता है। इस प्रसाद में ये आप सामने देख रहे हैं किशमिश, सोहाड़ा, बादाम, काजू, किशमिश सभी चीज़ों को डालकर बनाया जाता है, और बहुत ही अच्छा टेस्टी प्रसाद लगता है। देखिए दूध डाला जा रहा है, और पूरा प्योर दूध रहता है, किसी तरह से कोई मिलावट वगैरह दूध में ना हो, क्योंकि यह छठ महापर्व है। ये खरना बन चुका है, ये देखिए इतना अच्छा दिख रहा है, इसे ढक दिया गया है। ये देखिए सामने आपको मैं थाली में दिखाया, अगर आप समीप में होते तो आप छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आप लोगों को आज मैं आपको दिखाया कि आज छठ का दूसरा दिन था, और खरना का प्रसाद और अर्घ, सूर्य को अर्घ देते हुए भी मैंने आपको दिखाया। अब कल जो आपको ब्लॉग दिखाऊंगा उसमें जो प्रसाद चढ़ता है छठी मैया को, ठेकुआ वगैरह, शकरपाला वगैरह, उसको मैं अगले ब्लॉक में आपको दिखाऊंगा। फिर अगले ब्लॉक में आपसे मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छठी मैया, जय महाकाल।